मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वाटर सेस को हिमाचल सरकार का पंजाब सरकार से कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने जो गैर सरकारी संकल्प वाटर सेस को लेकर पारित किया है वे शायद बातचीत के अभाव के कारण हुआ है। प्रस्ताव पढ़ने के बाद ही वे आगामी बयान देंगे। बावजूद इसके हमने किसी नहर खेत खलियान में सेस नहीं लगाया। वाटर सेस से जो भ्रांतियां उत्पन्न हुई है सरकार इसे यथाशीघ्र ही दूर करेगी। देखिए, ये आपके माध्यम से हमें पता लग रहा है और अभी हमने जो भी पंजाब गवर्नमेंट ने प्राइवेट मेंबर्स डे वाले दिन या रेजोल्यूशन लाया है, पास किया है, उस बारे में क्या चीज है वो तो उनके रेजोल्यूशन के बाद ही पता लगेगा। लेकिन वाटर सेस किसी नहर पर नहीं लगा है। जो प्रदेश से बहती हुई नदियां उन पर किसी पर वाटर सेस नहीं लगा है और पंजाब और हरियाणा को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। विस्तृत स्टेटमेंट मैं आपको उनके रेजोल्यूशन की आज मेरे पास शाम को कॉपी आएगी, मैं उसको पढ़ने के बाद कल आपको दूंगा। नहीं देखिए, कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। पंजाब हरियाणा हिमाचल पहले महापंजाब हुआ करता था, हम सब भाई बहन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। तभी मैंने कहा विस्तृत स्टेटमेंट में कल जब वो संकल्प को पढ़ने के बाद दूंगा। और मेरा ये मानना है कि ये कोई राजनीतिक बात नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश ने जो वाटर सेस लगाया है वो हिमाचल में जो 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट है और उसमें हरियाणा का सरकार का तो कोई भी नहीं है और पंजाब सरकार का भी कोई नहीं है वाटर हाइड्रो प्रोजेक्ट। उन्होंने किस परिस्थितियों में ये संकल्प लाया और पास किया उसको जानने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसमें प्राइवेट के है, एनटीपीसी के है, एनएचपीसी के, हमारा एक एसजेबीनल पीएसयू है जिसमें हमारी भी 27% इक्विटी है, प्राइवेट के कई लोग हैं उसमें इक्विटी है, वहाँ हिमाचली युवा है उनमें इक्विटी है। कि ये कोई राजनीतिक बात नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश ने जो वाटर सेस लगाया है वो हिमाचल में जो 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट है और उसमें हरियाणा का सरकार का तो कोई भी नहीं है और पंजाब सरकार का भी कोई नहीं है वाटर हाइड्रो प्रोजेक्ट। उन्होंने किस परिस्थितियों में ये संकल्प लाया और पास किया उसको जानने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसमें प्राइवेट के है, एनटीपीसी के है, एनएचपीसी के, हमारा एक एसजेबीनल पीएसयू है जिसमें हमारी भी 27% इक्विटी है, प्राइवेट के कई लोग हैं उसमें इक्विटी है, वहाँ हिमाचली युवा है उनमें इक्विटी है। तो कई प्रकार से हमने हाइडल प्रोजेक्ट पर वाटर सेस लगाया है और नहरों, पानी, खेत जहाँ भी जाते हैं उस पानी पर कोई वाटर सेस नहीं लगाया। पंजाब का कोई प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में अभी नहीं है क्योंकि एक जो प्रोजेक्ट है सानन उसकी लीज खत्म होने वाली है और वो अगले 6 महीने में वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट का मेरे ख्याल हिमाचल प्रदेश में कोई प्रोजेक्ट नहीं है और हरियाणा गवर्नमेंट का भी कोई प्रोजेक्ट नहीं है। वो क्यों इस स्थिति में गए इसका तो मैं अध्ययन संकल्प के बाद ही कर सकता हूँ।
और ये वाटर सेस कोई हिमाचल प्रदेश ने नहीं लगाया है, ये उत्तराखंड ने भी वाटर सेस हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर लगाया है और उनसे जो भी उनकी कंफ्यूजन होगी उसको दूर कर दिया जाएगा। पर्सनली आप दोनों मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे? देखिए पहले मैं संकल्प पढ़ूंगा, उसके बाद मुख्यमंत्री को अगर सभी सम्मानित मुख्यमंत्री को अगर बात करने की जरूरत होगी तो भी हम उनसे बात करेंगे। सर मुख्यमंत्री खट्टर ने बिल्कुल साफ कहा है कि इस मामले में केंद्र के साथ भी मदद ली जाएगी, देखिए भरोसा है कि केंद्र इस तरह के मामले के अंदर आपकी मदद करेगा। देखिए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जम्मू कश्मीर में केंद्र की सरकार है, यानी केंद्र ये राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो जब वहाँ वाटर सेस लग सकता है रखने में सामर्थ्य है। हिमाचल प्रदेश में क्या जल जीवन मिशन की जांच होगी? आज बड़े प्रमुखता से मुद्दा ये उठा था। किसकी? जल जीवन मिशन, पाइप खरीद, नलके लग गए, पानी नहीं आया। देखिए वो हमारे चलो।